ओह माय गॉड। तो हेलो दोस्तों, फिर से आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक पे न्यू ट्रेंड वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, आप फिर देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति आता है दीवार की साइड से चल रहे होते हैं, एकाएक दीवार के अंदर प्रवेश कर जाता है और गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होता है जादू वाले वीडियो होते हैं, इस वीडियो को हम किस प्रकार शूट करेंगे, किस प्रकार हमें इसे क्रिएट करना है, इसी वीडियो के ट्यूटोरियल आज के वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन में काइमस्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। काइमस्टर एप्लीकेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आप दिखाता हूँ इस टाइप के वीडियो को आपको इस प्रकार हम क्लिक करेंगे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद 16:9 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने अपने मोबाइल फ़ोन से जो वीडियो को शूट किया था वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साउंड को आपको साइलेंट कर देना है। साइलेंट करने के बाद आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप का वीडियो शूट किया गया है। तो आपको भी इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद यदि आपको स्लो मोशन करना चाह रहे हैं तो स्लो मोशन भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक लेकर आना है, इसको वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से आगे की तरफ आना है, फिर से आपको यहाँ पे स्प्लिट कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं वीडियो जो हमारा 3 पार्ट में हो चुका है। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यदि वीडियो को स्लो मोशन करना है तो स्लो मोशन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो जो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें करना है क्या, सिंपल अब देखना हमें है दीवार में हम कहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है यहाँ पे यहाँ से प्रवेश करना चाह रहे हैं दीवार पे। आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चर फ्रेम एंड ऐड ए लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ से जितना आपको कम करना है कम कर लेना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम दीवार के अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो हमारा किस टाइप का वीडियो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों, हम जब वीडियो इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इफेक्ट देना होगा। को लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है और यहाँ पे मैंने एक इफेक्ट डाउनलोड करके रख रखा हूँ। इस इफेक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पे फेड कर देना है। तो दोस्तों, अब देखते हैं वीडियो किस तरह का तैयार हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अब ये जो है देख रहे थे, अब लास्ट में जाने के बाद भी रुक रहा है, तो इसको हमें फेड वाले ऑप्शन को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। फिर से हमें इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आउट एनिमेशन देना है, इसके बाद फेड इसे भी कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में फिर से दिखा देता हूँ किस तरह का तैयार हुआ है। तो हमारा वीडियो जो तैयार हो चुका था, हमें साउंड चाहिए था। साउंड के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साउंड मिल जाएगा, आप वहाँ से साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें साउंड कैसे ऐड करना है, आइडियो में आना है। आइडियो में आने के बाद हमें मैजिक साउंड है तो साउंड पे क्लिक करना है। इसके बाद प्लस के आइकन पर भी क्लिक करना है। इसके बाद हमारा साउंड तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। इसके बाद फिर से हमें साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ट्रिम स्पीड पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट पे क्लिक कर देना है। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने इफेक्ट डाला था, यहाँ पर हमें साउंड चाहिए और यहाँ पर हमें एक और साउंड चाहिए। तो इसके बाद ऑडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारा ये जो है 1 से 2 सेकेंड का साउंड है, साउंड को हमें क्लिक कर देना है। इसका भी साउंड हमारा एडजस्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आप देखते हैं वीडियो किस तरह से हमारा तैयार हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो देख सकते हैं यहाँ बुरी तरह से हमारा तैयार हो चुका है। अब नहीं, हमें क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर देना है। तो हमारा वीडियो तो यहाँ पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो फिर से हमें बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें 16:9 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद मीडिया पे आना है। इसके बाद जो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट किया था वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं वीडियो को दिखा देता हूँ
तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं ब्राइट लाइट की है, तो लाइट यहाँ पे थोड़ा हल्का कम आ रहा है, तो लाइट हमें ज़्यादा करना है। तो वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कलर फिल्टर में आना है, इसके बाद इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ वीडियो का ब्राइटनेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और दोस्तों देख सकते हैं पहले से वीडियो भी हमारा काफ़ी बेहतरीन हो चुका है। इसके बाद हमें एक्सपोर्ट कर लेना है, और जो वीडियो जो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इस तरह से वीडियो को आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पर अपडेट होता रहता है।